जी यार, क्योंकि तू तो कैमरा ऑन नहीं कर रही बेटा, और तेरे दो आईडीज दिख रहे हैं, तो मैं दोनों को बाहर कर रही हूँ। चलिए, प्रोकैरियोटिक की हम लोग बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से सेल होते हैं? दे आर प्रो मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव, दीदी दृष्टि को अंदर ले लो। ठीक है। यू मतलब होता है एडवांस्ड, यू मतलब होता है एडवांस्ड, और अगेन कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पुराने तरीके का होता है, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं जिनमें अच्छा हाँ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब सिंपल से लॉजिक है बेटा, यहां पर जब हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब यही ये चीज लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओह गॉड मे ब्लेस, थैंक यू। विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्क्वायर ये आपकी अब मेरी आवाज बात ध्यान से नहीं आ सुनो, रही बहुत है। टाइम वेस्ट हो गया नेटवर्क इश्यूज के कारण, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का मटेरियल कहीं तो भी पड़ा रहता है, कहीं तो भी मतलब कहीं तो भी, ठीक है ना। प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं बना रहेगा, जैसे अपन ने कल बनाया था जो अपन ने कल बनाया था उसमें क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर था, डबल लेयर मेम्ब्रेन था, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन था, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर सेल ऑर्गेनल्स के बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनल कहीं पर भी बिना कवर के पड़ा रहता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बाद में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, दी, यहां पर मेम्ब्रेन तुम्हें आपकी बाउंड आवाज नहीं आ रही। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसमें एक ही क्रोमोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली वन, और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट
प्रेजेंट और यहां लिखेंगे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जो साइज होता है वो लेस देन वन माइक्रोमीटर होता है। साइज कैसा होता है? साइज इज लेस देन वन माइक्रोमीटर, 10^-6 मीटर। और यहाँ पर साइज मोर देन वन माइक्रोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या होता है, विद दीज डिफरेंस हमारा न्यूक्लियस वाला पोर्शन क्या होता है, खत्म। दैट इज, दिस इज वेयर वी कंप्लीट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। यूकैरियोटिक का एग्जांपल ले ले, कार, सॉरी कार बोल रही हूँ, कैट, डॉग, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले। कल अगर तुम लोग को याद, स्टार्ट करने के पहले हम लोग सबसे पहले चीज पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म, क्या होता है हमारा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म अपने आप में क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, सेल में प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर सारे की सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं या धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं या फिर धसे हुए होते हैं। हाँ, जरूरी है नीचे धसे हुए होते हैं। हाइड एंड सीक कैसे खाते हो, एक चोको चिप थोड़ा सा बाहर भी दिखता है ना, पर रहते सब सारे बिस्किट के अंदर ही है ना, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म अपने आप क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। फिर मुद्दा उठता है कि हम लोगों ने यहाँ एक वर्ड लिखा है, कौन सा, सेल ऑर्गेनल, यहाँ एक वर्ड लिखा है कौन सा, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ सेल that perform a particular function, that perform a particular function, ठीक है, बोलो कोई परेशानी बेटा। जिन विद योर एंडोप्लास्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जब हम लोग एंडोप्लास्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं बेटा, तो समझो अगर ये मेरा सेल है, कौन, ये, ठीक है, ये है हमारा सेल, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस जो अपने आप में एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन रहेगा नेटवर्क्स के जैसे, ट्यूब का, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, आ रही है बात समझ में। तो इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। अब कहीं कहीं पर हम लोग देखेंगे कि इस पे कुछ स्पेसिफिक तरह के की डॉट 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 लगे हुए, कहीं कहीं जगह पर, कुछ कुछ जगहों पर इस पे क्या लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए। ये जो डॉट इस पर लगे हुए हैं, ये डॉट बेसिकली क्या है, ये डॉट्स हैं राइबोसोम्स, क्या है बेटा, राइबोसोम्स। और हमेशा से याद रखना, राइबोसोम्स का काम क्या होता है, टू मेक प्रोटीन्स, टू मेक
ठीक है, तो इसमें जो राइबोसोम्स है वो बेसिकली क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये जो जहां जहां राइबोसोम्स नहीं है, अच्छा जहां जहां राइबोसोम्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर ई आर। आर ई आर से मेरा क्या मतलब है, आर ई आर से मेरा मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर से मेरा क्या मतलब है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जहां जहां राइबोसोम्स नहीं है इसे हम लोग बोलेंगे क्या, एस ई आर। एस ई आर मतलब क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत छोटा सा है। लॉजिक इतना छोटा सा है क्या कि जो स्मूथ एंड रफ का तो एक ही काम है, राइबोसोम्स का क्या काम है, टू मेक प्रोटीन। स्मूथ क्या क्या करेगा बेटा, ये लिपिड्स फॉर्म करेगा, ये क्या बनाएगा, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा कि किसी चीज को हमको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, या यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, या यहाँ से यहाँ ले जाना है, या यहाँ से यहाँ ले जाना, वो सारा काम भी कौन देखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखेगा ट्रांसपोर्टेशन का। पता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो कौन बनाता है ये प्रोटीन्स, राइबोसोम्स। लिपिड्स कौन बनाता है, आरईआर सॉरी एसईआर, और एसईआर और आरईआर मिलकर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं उससे क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके, ठीक है। तो अब हम कहानी लिखेंगे किसकी, सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता, बट इट इज अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, गेस कर, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। दीदी इसमें कई सिस्टोने भी आते हैं ना, दैट फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। कितनी तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने बोला भैया दो तरीके का होता है, बाउंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना। तो हमने बोला भैया कितनी तरीके का होता है, बोला भैया दो तरीके का होता है, एक होता है एसईआर और एक होता है क्या, आरईआर। एसईआर मतलब क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डज नॉट हैव राइबोसोम्स, डज नॉट हैव राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम has ribosomes, ठीक है। rough smooth endoplasmic reticulum prepare does not make proteins, or smooth endoplasmic reticulum makes proteins। दीदी दीदी ऐसे चार major functions होते हैं, पहला transportation, ठीक है, दूसरा केमिकल रिएक्शंस। क्यों केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जो थर्ड फंक्शन होता है इसका, वो होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी बताया कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी हेल्प से बनाएंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज बाय आरईआर एंड एसईआर, ठीक है। प्रोटीन कौन बनाएगा यहाँ पे, आरईआर, और लिपिड्स कौन बनाएगा, एसईआर, और इन दोनों की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो चौथा फंक्शन होता है वो होता है बेटा डीटॉक्सिफिकेशन। डीटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, जहर निकालना। डीटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या,
जहर निकालना, किसमें से जहर निकालना बेटा? लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, और उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी में, उनके लिवर में कभी कोई टॉक्सिक ड्रग्स आ जाए या केमिकल्स आ जाए, कोई टॉक्सिक ड्रग्स या फिर केमिकल्स आ जाए, तो उनमें से जहर कौन निकालता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालता है। सो दीज आर द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ ईआर। इज इट क्लियर टू एवरीवन?